गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। टॉपिक का नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत 1971 में यूनेस्को ने की थी। अब ये यूनेस्को क्या है? यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, यूएन की, जो बात करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। वो चाहता है कि एक पीस बिल्ट हो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, एजुकेशन के सेक्टर में हम ग्रोथ करें, साइंसेस के सेक्टर में हम ग्रोथ करें, कल्चर के सेक्टर में ग्रोथ करें, और इनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप डेवलप हो। सो लॉन्च्ड इन 1971, यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम दैट एम्स टू एस्टैब्लिश ए साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बात करता है कि एनवायरनमेंट की भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों की भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों का और उनका जो एनवायरनमेंट है उसमें एक अच्छा कनेक्शन बिल्ट होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ट होना चाहिए, उनका रिलेशनशिप इंप्रूव होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ए साइंटिफिक। मैन एंड बायोस्फीयर कंबाइंस द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। तो ये जो प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये नेचुरल साइंसेज को और सोशल साइंसेज को कंबाइन करता है, इकोनॉमिक्स को, एजुकेशन को, ताकि लोगों की जो जीवन शैली है उसको इम्प्रूव किया जा सके, टू इम्प्रूव द ह्यूमन लाइवलीहुड एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, और जो डेवलपमेंट का बेनिफिट है वो हर किसी को मिले, टू सेफगार्ड द नेचुरल एंड मैनेज्ड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को भी हम प्रोटेक्ट करें, दस प्रोमोटिंग द इनोवेटिव अप्रोचेस, कुछ ऐसी इनोवेटिव अप्रोचेस लेके आएँ जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके ऑन द बेसिस ऑफ ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पे ही ग्रोथ होनी चाहिए, एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, दैट आर सोशली एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। लेटर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1986। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो था उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 1986, जबकि इसकी शुरुआत 1971 में ही हो गई थी। स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन की जो इंटरफेरेंस है और जो पोल्यूशन का जो प्रभाव पड़ रहा है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में, उसको स्टडी करना। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, टर्बिडिटी, टेम्परेचर। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे आपकी स्पीशीज हो गई, एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, ट्रीज हो गई, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स है। कंजर्वेशन द इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। इस प्रोग्राम का एम ये है कि हमें इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, उसको कंजर्व करना है, प्रेजेंट के लिए भी और आने वाले फ्यूचर के लिए भी, आने वाले भविष्य के लिए भी। अब इसके कुछ एम की भी हम बात करेंगे। दैट इज़ कंजर्व द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें हम सैम्पल्स लेते हैं, रैंडम सैम्पलिंग होती है, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। तो इकोसिस्टम में हम हर किसी की स्टडी तो कर नहीं सकते, इसलिए हम कुछ सैम्पल्स लेते हैं जिन सैम्पल्स को हमें कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम, प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ ए जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो हेल्थ के लिए, यानी कि एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि इन सीतु कंजर्वेशन क्या होता है, जो नेचुरल स्पीशीज होती हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, नेचुरल हैबिटेट में रहती है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करने को हम बोलते हैं इन सीतु कंजर्वेशन। जब हम बाहर से कोई स्पीशीज लेके आते हैं और उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, तो बाहर वाली स्पीशीज जब आती हैं किसी हैबिटेट में, तो उसे हम बोलते हैं एक्स सीतु कंजर्वेशन। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये भी इसका एक एम है कि हमें एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, लोगों को ट्रेनिंग देनी है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द लिविंग रिसोर्सेज, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें लिविंग रिसोर्सेज को मैनेज करना है अच्छी तरह से, सस्टेनेबल तरीके से हमें मैनेज करना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था मैन एंड बायोस्फीयर का। तो आपने इसे स्टडी कर लिया है, आपको जानना ज़रूरी था क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।